students, today we are going to start our second part of the novel Inside the Haveli. And today we are going to start chapter first. This part is started after 5 years. 5 साल के बाद सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो स्टार्ट होता है. और एवरीथिंग वाज चेंज्ड, हर चीज़ जो है वहाँ बदल चुकी है. द वॉल्स ऑफ जीवन निवास वर गेटिंग डिसफिगर्ड, जो दीवारें हैं जीवन निवास की वो अब बहुत ही बेढंगी हो गई हैं. इन दीज ईयर्स संग्राम सिंह जी आल्सो डाइड, और इन्हीं सालों में संग्राम सिंह जी जो कि दादोसा थे उनकी मृत्यु हो चुकी है. भटियानी जी आल्सो डाइड, भटियानी जी भी मर चुके हैं जो कि बाबा साहब की खास सेविका थी. परी बिकेम ओल्ड, ओनली कंप्लेंट ऑफ पेन्स एंड एजेस. परी जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और हमेशा उसे दर्द की, कष्ट की शिकायतें रहती हैं. धापू है ट्रांसफर्ड हर अटेंशन ऑन विक्रम, हु बॉर्न आफ्टर 3 मंथ ऑफ द डेथ ऑफ संग्राम सिंह जी. धापू का पूरा ध्यान जो है अब विक्रम, जो कि गीता का बेटा है, जो संग्राम सिंह जी की मृत्यु के 3 महीने बाद पैदा हुआ है, उस पर उसने अपना पूरा ध्यान लगा रखा है, उसके लालन पालन पर. देयर वॉज नो सेरेमनी दिस टाइम, ओनली द फैमिली गॉडेस वॉज क्वाइटली वर्शिप्ड. इस बार कोई भी उत्सव को नहीं मनाया गया है, केवल फैमिली जो देवी हैं उन्हीं की पूजा जो है वो शांति से की गई है. भगवत सिंह जी वाइफ हैड नॉट फॉरगॉटन लक्ष्मी. भगवत सिंह जी की जो पत्नी हैं कन्वा रानी साहब, वो अभी तक भी लक्ष्मी को नहीं भूली हैं. थ्रू द मिस्ट्रेस डिड हर लेवल बेस्ट टू हाइड द रियलिटी बाय सेइंग दैट शी हैड बीन सडनली कॉल्ड बाय हर ब्रदर हु वाज सीरियसली इल. यद्यपि जो मालकिन हैं उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है इस सच्चाई को छुपाने की, ये कहकर कि अचानक उनके भाई जो कि बीमार हो गए हैं वो उनसे मिलने चली गई है. भगवत सिंह जी इज़ वाइफ वॉज वेरी श्योर डैट वन डे शी वुड बी बैक एंड रियलाइजिंग हर मिस्टेक्स. भगवत सिंह जी की पत्नी को अभी भी विश्वास है कि एक दिन लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस लौट आएगी हवेली में. 5 ईयर्स हैड पास्ड सिंस लक्ष्मी हैड लेफ्ट द हवेली. 5 साल हो चुके हैं यद्यपि लक्ष्मी को अभी तक हवेली छोड़े हुए. गीता वॉज नाउ मोर कम्फर्टेबल विद द हवेली. गीता अब हवेली के कस्टम्स और रीति रिवाजों के प्रति काफ़ी सहज हो गई है. शी ऑल्सो चेंज्ड हरसेल्फ विद द हवेली कस्टम. उसने अपने आप को हवेली के रीति रिवाजों के अनुसार बदल लिया है. बट समटाइम्स शी फेल्ट अनइजी. कभी कभी उसे अजीब या बेचैनी सी महसूस होती है. हर मदर लीला हैड गॉन टू हर ब्रदर्स होम टू लिव देयर फॉर ए फ्यू डेज. उनकी जो सासू माँ हैं कन्वा रानी साहब, वो अपने भाई के घर गई हुई है कुछ दिनों के लिए. वन डे परी टोल गीता डेट वैन देयर इज़ फुल मून द गॉडेस ऑफ वेदर मस्ट बी वर्शिप्ड. कि एक दिन परी जो है वो गीता को बताती है कि जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो हम मौसम की देवी की पूजा करते हैं. वैन कन्वा रानी साहब हियर नो वन स्लैप द होल नाइट. जब कन्वा रानी साहब यहाँ होती है तो कोई भी यहाँ नहीं सोता है पूरी रात. गीता सेड टू परी विदाउट कन्वा रानी साहब द हवेली वॉज क्वाइट एम्प्टी. गीता परी को कहती है कि बिना कन्वा रानी साहब के पूरी हवेली जो है काफ़ी खाली खाली प्रतीत होती है. एंड आस्क्ड व्हेन शी वुड बी बैक. और उससे पूछती है कि वो कब वापस आएंगी. एट लीस्ट आफ्टर 2 or 3 days, कम से कम 2 या 3 दिन बाद, रिप्लाइड परी. परी उत्तर देती है बिकॉज हर ब्रदर वॉज नॉट वेल. क्योंकि उनके जो भाई हैं वो ठीक नहीं हैं. गंगा गॉट अप एंड कलेक्टेड द ऑल वुमेन. गंगा जो है उठती है और सभी औरतों को इकट्ठा करती है. ऑल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ स्टैचू ऑफ गॉडस. सभी जो देवी माँ हैं उनके सामने खड़े होते हैं. ऑफ वेल्थ गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो धन की देवी हैं उनके सामने खड़े होते हैं. एंड स्टार्टेड द पूजा, और पूजा स्टार्ट करते हैं.
धापो वाज गाइडिंग गीता, धापो गीता को गाइड करती है हाउ टू डू पूजा प्रॉपरली, कि पूजा किस तरीके से अच्छे से की जाए। आफ्टर वर्शिप गीता टच द फीट ऑफ परी एंड परी ब्लेस द गीता। वर्शिप के पश्चात यानी पूजा के बाद गीता जो है वो परी के पैर छूती है और परी उसे आशीर्वाद देती है। गीता ले डाउन नियर विजयाज बेड, धापू आल्सो स्लैप देयर। गीता जो है विजया के बेड के पास सो जाती है जाकर, जब पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद, और धापू भी वहीं सो जाती है। शी टोल्ड हर अबाउट कन्वा रानीसा'स ब्रदर। अब धापू जो है वो गीता को कन्वा रानीसा के भाई के बारे में बताती है। शी टोल्ड हर डैट गोपाल सिंह जी वाज सीरियसली इल। वह उसे बताती है कि गोपाल सिंह जी जो हैं वो बहुत अधिक गंभीर रूप से बीमार हैं। हिज प्रॉपर्टी वाज नॉट डिवाइडेड अमंग हिज सन्स, और उनकी जो संपत्ति है वो उनके बेटों में अभी बांटी नहीं गई है। गोपाल सिंह जी हैड टू वाइफ्स। गोपाल सिंह जी के दो पत्नियां हैं। वन वाज डेड, आफ्टर डेट ही कैप्ट हिज सिस्टर इन लॉ विद हिम। एक जो है वो ख़त्म हो गई है और उसके बाद जो उनकी सिस्टर इल्ला है वो उनकी जगह आई हुई हैं। सो कन्वा रानीसा इज देयर टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी। इसलिए कन्वा रानीसा वहाँ इसलिए गई हुई हैं कि वो प्रॉपर्टी का जो है वो एक जैसा मतलब समान रूप से बंटवारा कर सकें। अमंग द थ्री सन्स ऑफ गोपाल सिंह जी, गोपाल सिंह जी के तीनों बेटों में। शी कुड नॉट ट्रस्ट स्टेप मदर टू बी फेयर। वो किसी सौतेली माँ पर इस बात के लिए विश्वास नहीं कर सकती। यस शी इज राइट सेड गीता। गीता ने कहा हाँ यह सही है, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है। कि इस पार्ट में हम हवेली में जो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और हवेली में अब जो चेंजेस आने वाले हैं समय के साथ उसको पढ़ेंगे, और वो चेंज किस प्रकार से समय के साथ साथ एक्सेप्ट किए जाते हैं, डिनाइड किए जाते हैं, ये हम हर चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।